हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे विच टू द अदर वन मूवी के बारे में। तो जैसे हमने विच वन देखी थी, उसमें जो विच थी वो किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी से भागकर आई थी, तो सेम यही विच टू पार्ट टू में होगा कि एक जो लड़की है स्टार्टिंग में वो गवर्नमेंट फैसिलिटी से भाग कर आई है। वहाँ पे वही सेम ब्लड शेड हुआ है, बहुत सारे लोग किल्ड है, एक्सीडेंट हुआ है, सबको मार के निकल के आई है। वो लोग सेम इसके उसको ट्रीट कर रहे थे, इसके ब्रेन को उसको इंजेक्शंस दे रहे थे पावर बढ़ाने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए। बस दिस टाइम वो लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा उनकी साइंस जो है वो इम्प्रूव हो गई है, तो वो इसको और ज़्यादा डोज दे रहे थे जिससे इनकी पावर्स और बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब लाइक दे कैन फ्लाई, दे कैन डू एनीथिंग इन द एयर, और कुछ भी मतलब हवा में कर सकते हैं, और बहुत इजीली मर भी नहीं सकते अपने सेल्स, मतलब सेल्स उनके इतने ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहे हैं कि अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब उनको चोट लग गई है बुलेट से, मतलब उनके अंदर गोली घुस गई, तो वो भी निकाल के उनकी स्किन दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी एज इट इज़, घाव बढ़ जाएगी जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, इतना ज़्यादा होगा वहाँ पर। और उसके बाद हाँ, ये भाग आती है, फिर वहाँ पर रास्ते में तो एक कार आती है, कार में कुछ लोग होते हैं, एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, तो वो इसको भी ले लेते हैं बिना मतलब के, कहते हैं कि ये हमारे विटनेस है, कुछ भी इसने देख लिया होगा। तो जो भी इस लड़की को किडनैप करते हैं वो मना करती है, इस मतलब इनोसेंट लड़की को, मतलब उसको छोड़ दो। तो वो इस लड़की को बहुत परेशान करते कि तुम कौन हो बताओ, ये बोलती नहीं। फिर इसको गुस्सा आता है, लास्ट में सबको वहाँ पे मार देती जितने भी लोग होते हैं, और जो लड़की किडनैप की गई थी उसको छोड़ देती है। तो जब किडनैप की गई लड़की को होश आता है, वो देखती है सब लोग मर गए हैं और ये बैठी हुई है चुपचाप सी, तो वो पहले तो सोचती है कि मैं चली जाऊँ, भाग जाऊँ, लेकिन वो दोबारा में आती है, इसको लेके चली जाती है अपने साथ, कहती तुम मेरे साथ चलो, और अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है जो कि क्या होता है एनिमल डॉक्टर होता है, वो इसको लेके इन दोनों को लेके जाता है और उसके बाद इसको ट्रीट करता है। इसकी बॉडी से कुछ पार्ट्स निकलते हैं, बुलेट्स के या पता नहीं क्या होता है, कुछ मेटल टाइप होता है, आई थिंक बुलेट्स ही होती हैं, वो इसको निकालती है, निकालता है, लेकिन वो अल्कोहल पी रखा होता है, तो इसके जब जो घाव होते हैं दोबारा से रीजनरेट हो जाते, हील हो जाते, तो इसको देख के पहले तो आश्चर्यचकित हो जा होता है, फिर सोचता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने कुछ और देख लिया होगा। फिर वो उसको कहता है कि इसकी हालत ठीक नहीं है, तो लड़की कहती है मैं इसको अपने साथ रखूँ। फिर इसको अपने घर लेके जाती है, जब अपने घर लेके जाती है तो इसको सब कुछ देती है, इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्ट फील होता है इस विच को कि लोग मेरी फिक्र कर रहे हो, वो नया नया होता है, सब कुछ नया नया देख रही होती है, खाना देख के वो एक्साइटेड हो रही थी कि अमेजिंग टेस्ट है, सब बहुत सारा खाना खाती है। उस लड़की का भाई भी होता है तो वो सब देखती है। फिर वहाँ उसके घर में एक कुछ गुंडे लोग आते हैं जो कि उसके अंकल वगैरह रिलेटेड है, जो कि ज़मीन के लिए आते हैं कि तुम प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह हमें दे दो, साइन कर दो, उसके बाद हम यहाँ चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं बेचती है, तो वो मार धाड़ पे आ जाती है, लड़की को गिराते हैं, मारते हैं, उसका भाई आता है, उसको चोट पहुँचाते वगैरह हैं। तो ये विच पहले तो चुपचाप से देखती रहती है क्या हो रहा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर देते हैं, लड़की को भी गिरा देते, फिर वो छत पे खड़ी हो जाती है एकदम टॉप पे जाके, तो ये लोग देखते हैं ये कौन लड़की वहाँ पे खड़ी है कि नीचे उतर आओ तुमको चोट लग जाएगी तुम मर जाओगी। फिर वो एकदम से ऊपर से नीचे कूद जाती है, तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ये कूद गई मर जाएगी, फिर देखते तो वो मरी नहीं होती, चुपचाप खड़ी होती है। फिर जैसे ही देखते ही देखते एकदम से वहाँ से एक्शन लेती है और इन सबको मारती है, बहुत ज़्यादा मारती है, जिन सब लोगों को मार देती है। तो जो इसका अंकल आया होता है ज़मीन लेने के लिए, उसको भी मारने वाली ही होती है, लेकिन तब तक वो लड़की इसको रोक देती है कि तुम इसको मत मारो, तुम मत करो अपने हाथ से, तो वो भाग के चला जाता है। और जब वो भाग के चला जाता है तो वो लोगों को इन्फॉर्म करता है दूसरों को जानने के लिए कि जो लड़की इसके घर पर थी वो कौन है, जो विच है वो कौन है, क्या है, ताकि लोग उसको कांटेक्ट करें। और उधर क्या होता है, जो फर्स्ट मूवी में हमने जो डायरेक्टर देखा था वो डायरेक्टर तो किल हो गया, तो फर्स्ट मूवी की विच जो है उस डायरेक्टर के ट्विन सिस्टर के पास गए थे, तो वही ट्विन सिस्टर यही केस डिस्कस कर रही होती दूसरी पार्टी के साथ, जो वही सेम इसी मिशन से रिलेटेड होते हैं, तो बताते कि हमारी तरफ से नहीं हुआ है, तो कि हमारे अंदर से कोई, तो वो दोनों एक दूसरे को बस शक कर रहे होते हैं, वो कहती कि मेरे ऊपर शक कैसे कर सकती, तो वो सब अपने अपने आदमी भेजते हैं। तो जो डायरेक्टर होती है, ट्विन डायरेक्टर होते हैं, वो यूएस से अपने बुलाती है, यूएस में उसकी एक ट्रेनिंग वाली लड़की होती है जो सेम वही इसका भी होता है कि उसको बहुत सुपर फास्ट होती है, और एक आदमी होता है जो कि अमेरिकन ही होता है वो होता है, तो वो इस मिशन के लिए कोरिया में आते हैं। तो जैसे ये कोरिया में आते हैं तो ई जोंग सुक है वो इसमें एक्टिंग कर रहा है, वो भी डायरेक्टर है एक फैसिलिटी का। इस ई जोंग सुक और ट्विन डायरेक्टर की, इन दोनों डायरेक्टरों के बीच में बात हुई थी, तो ई जोंग सुक के आदमी इसको फॉलो करवाते हैं, तो इसकी एक बार मुलाकात होती है। शायद ये लड़की पहले ई जोंग सुक के फॉर्म मतलब साथ काम करती थी,
इस तरह से बात होती है। और देख शंघाई से कुछ लोग आए होते जो यही ब्रेन वाली लेबोरेटरी शंघाई में भी होती है, वहां भी कुछ लोग होते हैं जो आए होते हैं इसी सेम विच को ढूंढने के लिए, और सारे के सारे मिलते हैं वहीं जाके। सबको पता लगता है कि जो वो डॉक्टर था वो उससे रिलेटेड था, डॉक्टर को टॉर्चर करते हैं। फिर जो अमेरिका वाला, अमेरिका से जो लड़की आई, दो लोग आए हैं ढूंढने के लिए इसको, उनके पास एक रडार होता है, तो जो ट्विन डायरेक्टर होती है वो रडार देती है उनको कि इसके ब्रेन में एक चिप लगी हुई है, जब तुम उसके आसपास के एरिया में पहुंच जाओगे तब ये दिखाने लगेगा इसकी लोकेशन कि ये कहाँ है, तो उनको पता लग जाता है कि ये कहाँ है। तो इस तरह सारे के सारे इसके पास पहुंचते हैं। शंघाई से जो लोग होते हैं वो भी इसके पास पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, शंघाई वाले लोग भी इसको मारना चाहते हैं, और इधर डायरेक्टर ने जो भी लोग भेजे होते हैं वो भी इसको मारना चाहते हैं, सब लोग इसको मारना चाहते हैं। तो इस और इधर जो लड़की का जो घर, जिसका घर होता है, उस घर की लड़की की जो अंकल जिसको छोड़ देती है, वो भी दूसरे लोगों के साथ, शंघाई वाले लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं, वो आते हैं तो इसको मारने के लिए आते हैं, तो उस घर में विस्फोट कर देते हैं, सबको लगता है कि मर गई होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कहीं गिर गई होती है, इमिडिएटली ये नहीं आती है। तो इतनी देर में यहाँ पे लड़ाई होती है, सब आपस में लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। इतनी देर में जो लड़का जिसका जिनका घर होता है वो लड़की को मार देता है, उसकी का चाचा, और जो उसका भाई होता है छोटा उसको भी मार दिया जाता है, शंघाई वाले लोग गोली मार देते हैं। उसके बाद जब ये लड़की आती है, ये देखती है कि इन सबको मार दिया गया है, तो वो भी जितने भी बचे हुए लोग होते हैं सबको मार देती है। लास्ट में शंघाई वाली एक लड़की बची हुई होती है जो कि नहीं मर पाई होती है। तो एक गाड़ी आती है, गाड़ी में से एक दूसरी लड़की निकलती है जो कि बीच होती है पार्ट वन की। वो आती है शंघाई वाली लड़की को कहती है कि मैंने तुम्हें इसको बचाने के लिए, ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन तुम लोग तो इसको मारने लगे, इसकी जान के पीछे पड़ गए। तो वो जो लास्ट वाली शंघाई वाली होती है उसको मार देती है। फिर इसको बताती है कि मैंने तुम्हें उस फैसिलिटी से रिलीज करवाई थी, शंघाई वाले जो लोग थे मैंने इनको तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन ये लोग तुमको मारने लगे, ये मेरे उसमें शामिल नहीं था, मैंने सिर्फ इनको ढूंढने के लिए भेजा था और मैंने तुम्हें रिलीज करवाया था। तो विच टू पूछती कि तुमने मुझे क्यों रिलीज करवाया था, तो विच वन बताती कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें रिलीज कराया, तो मुझे पता लगा कि तुम मॉम से कनेक्टेड हो, तुम्हारा सब मॉम के सबकॉन्शियस माइंड से तुम कनेक्टेड हो, मॉम तुम्हें याद करती बुलाती हैं, तो मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि अब तुमको लेके मैं साथ में हम दोनों अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो फिर वो साथ में मॉम को ढूंढने के लिए उसको लेके जाती है, और एंडिंग में क्या होता है, जो ट्विन डायरेक्टर होती है उसको पता लग जाता है कि ये दोनों साथ में हैं, ये मिल गई तो अभी अपनी मॉम के लिए ज़रूर आएंगे उनको ढूंढने के लिए, तो वो भी तैयार हो जाती है। और लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उन दोनों ट्विन की मॉम होती हैं, जो कि बहुत सारे कनेक्शंस वायर के बीच मतलब होती हैं, कुछ क्लियर नहीं समझ आते, बस इमेज दिखाई जाती है कि वो उसकी मॉम है। और उसकी मॉम को लोगों ने कैसे कैप्चर किया होता है कि ये लोगों की एक पार्टी होती है जिनका सिर्फ काम होता है कि कैंडिडेट्स को ढूंढना, कि जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिनका ब्रेन अच्छा है, जिनके ऊपर मेडिसिन अच्छे से काम करेगी, तो उनको ढूंढना और उनको यहाँ पर चुपचाप से लेके आना। तो वही इनकी जो मदद थी वो बहुत अच्छी कैंडिडेट इनको मिली और उसको बस से ये लोग लेके आए। तो जिस वक्त ये लोग लेके आए उस वक्त इनकी मदद प्रेग्नेंट थी, तो मतलब वैसा ही कैंडिडेट और इनको मिले, इसलिए जो उसके मदर के पेट में जो था बेबी उसको इन्होंने क्लोन बनाया, उसको संभाला और उससे और ज़्यादा क्लोन पैदा करें। तो जो ये दो लड़कियां थी ये दोनों वही क्लोन से बनी हुई हैं, वही क्लोन का हिस्सा है, तो उनकी मॉम वही है। तो जो विच टू है वो अपनी मॉम के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड, कई बार मूवी में होता है बीच बीच में कि मॉम अपनी बेटी को बुला रही होती है कम टू मॉमी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसकी एंडिंग हो जाती है, इसके आगे का शायद नेक्स्ट जब भी इस मूवी आएगी तब पता लगेगा इसके आगे क्या है। तो यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है, एंड दिस मूवी इज़ मोर अमेजिंग देन द पार्ट वन, मतलब पार्ट वन से भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि एक्शन को लेके, डायलॉग्स को लेके, जो प्लॉट है, जो ट्विस्ट है, सब को लेके बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जहाँ मैंने फर्स्ट में कहा था कि थोड़ा सा मतलब हाँ स्टार्टिंग में समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि हाँ ओके मूवी कहाँ कहाँ जा रही है, बट इसमें तुम एंडिंग तक आते आते ना बस मूवी को देखते रहोगे। बट हाँ आपको पार्ट वन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मूवी पार्ट टू है वो एंडिंग तक आते आते पार्ट वन से रिलेटेड हो जाएगी, तो आपको उत्सुकता होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा क्या पार्ट वन में था, तो आपको पार्ट वन इसलिए देखना पड़ेगा। बाकी आप एज इट इज इसको देख सकती हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एंडिंग में आप फिर थोड़ा सा उत्सुक रहोगे कि ऐसा क्या था पार्ट वन में। तो आप दोनों मूवी देखिएगा। और रेटिंग की बात करें तो ये मूवी मैं रेटिंग दूंगी इसको 10/10, मेरे हिसाब से सुपर मूवी है ये, हॉलीवुड की मूवीज को टक्कर दे रही है मेरे हिसाब से। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन एंड दैट्स इट फॉर दिस मूवी।